हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी बनाने। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फी कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चने दाल का बेसन, और इसे छान लें इस तरह से करके। बेसन को मैंने छान लिया है, गैस पर एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ प्योर घी, 2 चम्मच डाले। घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने दाल का बेसन। गैस की आंच धीमी रखें। ग्राइंड किया हुआ सूजी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे लगातार चलाते रहें, इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहें इस तरह से। पेशेंस रखें, हल्का ब्राउन कलर होने तक इसे भूनें। अब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, ये लगभग तैयार हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इस तरह से चलाते रहें। मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची पाउडर। मैंने इसमें सिल्वर पेपर लगा दिया है, मैंने थोड़ा सा इसमें घी लगाया है ताकि यह चिकना हो जाए। इस तरह से लगा कर रखें, और मैं थोड़ा सा काजू बादाम का कतरन डाल रही हूँ। मैं इसे निकाल रही हूँ और इसमें मैं रख रही हूँ। चारों तरफ फैला दे, चम्मच की सहायता से इसे फैला दे, हाथ से न टच करें। इसे मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है, और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख दे। यह लगभग सेट हो गया है, मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा था। अब मैं इसे एक चाकू की सहायता से किनारे किनारे निशान बनाऊंगी इस तरह से। मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से कर लिया है। इसके ऊपर एक प्लेट रख रही हूँ इस तरह से। सिल्वर पेपर को हटा दें। बहुत ही अच्छी सेट हुई है। इसे मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ये हमारी बेसन की बर्फी बनकर तैयार है, और ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।